इस बार तुम लोगों ने किए भक्ति से पोंगल और पूजा को मैंने अच्छी तरह से स्वीकार किया। मेरे मन को शांति मिली, मन संतुष्ट हुआ, तो इसलिए पूछो जो पूछना है, पूछो। नमस्ते स्वामी, मेरा नाम पूर्णिमा है, मैं पास के गांव से आई हूँ। स्वामी जी, मेरी बेटी की शादी के लिए पूरे गांव में घूमकर लड़का देखा पर नहीं मिला स्वामी जी, लेकिन सबका कहना है बेटी की कुंडली में मंगल दोष है, तो मेरी बेटी की शादी करने वाले लड़के की मृत्यु हो जाएगी, इसी वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है स्वामी। तुम हमारे विश्वास पर यहाँ तक आ गई, तो मैं ये वचन देता हूँ कि तुम्हारी बेटी की शादी मैं अवश्य करवाऊंगा। धन्यवाद स्वामी जी, हिम्मत रखो और जाओ। स्वामी जी, मेरे पति को हर एक व्यापार में नुकसान हो रहा है, आप बताएं उनको कौन सा व्यापार करना चाहिए। तुम्हारा पति जो भी व्यापार करेगा बहुत उन्नति करेगा, सारा दोष मिट जाएगा, शांति से जाओ, जाओ। धन्यवाद स्वामी। सबकी कुंडली बता दी, जरा इसका भी भविष्य बता दीजिए। जा बेटी। इस दुनिया से बुराई का अंत करने के लिए एक अच्छे इंसान की लड़ाई होगी, न्यायालय में मुकदमा होगा। इस लड़ाई से वो ये खोएगा या वो खोएगा नहीं जानता, वैसे तुझे भी खो देगा वो। वो किस लिए होगा पता है? वो तुम्हारे मंगलसूत्र के कारण। वो मंगलसूत्र नहीं खतरा है। ये होगा, जरूर होगा, ये सच है, यही भविष्यवाणी है। ऐसा कहा था माता जी? ऐसा ही कहा था, सुन के मैं भी घबरा गई। सारे गांव के लिए अच्छी खबर और अपनी बहन के लिए बुरी खबर सुना दी, तभी मेरा मुंह बंद कर देती। तू खुद कह रहा था कैसे मुंह बंद करे। तुम्हारी ऐसी बात कहने से उसे कितना दुख होता होगा सोचा तुमने? मैं अभी दुखी नहीं हूँ। ओए दादी माँ, बार बार एक ही बात सुनाकर भाई को टेंशन क्यों दे रही हो? चलो सब जाओ यहाँ से, तुम चलो भाई। ए भाई, क्यों इतना ज्यादा सोच रहे हो? जो भी बताया वो तो स्वामी ने बताया है ना, और मैं किसी स्वामी की बात सुनने वाली हूँ? मैं सिर्फ अपने भाई की ही बात सुनती हूँ, कोई भी स्वामी कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन कहती है मैं बड़ा हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम ही बड़ी हो। पार्वती को चाहे कोई भी तकलीफ हो या कष्ट हो, मैं तो साथ में हूं ही, पर उस समय तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। अरे भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मंदिर में शादी का इंतजाम हम कर देंगे, सब अच्छे से हो जाएगा भाई। हे भगवान, मेरी बहन को अच्छा पति मिले, ऐसी कुंडली तुम मिलाना। जा रहा है, अरे भाई सॉरी, आपका सर्कल टेढ़ा हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि मैं ठीक कर दूं। आपने जो मांगा है अगर वो सही होगा तो वो आपको जरूर मिलेगा, आगे भगवान की मर्जी। भैया आप उठ जाइए, हम बना लेंगे रेखा। अच्छा मैं चलता हूँ। चल रहे। अभी तुम्हारी बनाई हुई रेखा से तुम्हारे भाई को अच्छी लड़की मिल जाएगी, प्रार्थना करना। हे भगवान जी, मेरे भाई को अच्छी सी लड़की मिल जाए। ये तो गए काम से। भाई भाई आपको क्या हो गया? मंदिर में ऐसे हिलना नहीं चाहिए, आरती का समय हो गया है।
सुनो बेटी, रेखा मिल गई, तेरे भाई को अच्छी लड़की मिल जाएगी। चलो चलते हैं, चलो। लड़की सुंदर है ना भाई? क्यों बे, कब से देख रहा हूँ, जब से मेरी बहन ने चप्पल उतारी है तब से उसका पीछा कर रहा है। बहुत चर्बी चढ़िएगा तेरी तो। चल निकल यहाँ से भाई। मंदिर में स्वामी के दर्शन करने आए हुए भक्त को मार रहे हो? कौन है तू? कौन है तू? मैं इस मंदिर में घंटी बजाता हूँ। चुपचाप टंगे घंटी को बजाते वक्त मैंने तुझसे कुछ पूछा, पूछा था तो फिर तू क्यों मुझसे पूछ रहा है? सवाल जवाब करने की आदत है क्या तेरे को? यहाँ भी आकर आपने मारपीट शुरू कर दी ना, अब चलिए। चलो क्या रे, इसके साथ में तो खतरा भी है। और नहीं तो क्या, जिंदगी में खतरा उठाना पड़ता है। यहाँ पर खतरा उठाओगे तो सुंदर लड़की मिलेगी। सुन रे, मुझे सुंदर भी नहीं चाहिए, खतरा भी नहीं चाहिए। मुझे मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा पति मिल जाए उतना ही काफी है। अब चल चलते हैं। हमारे राज्य के एक्स चीफ मिनिस्टर के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ के जेल में उम्र कैद काट रहे कैदियों को उनके अच्छे व्यवहार की वजह से रिहा करने का फैसला किया गया है। उनमें से मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे 5 कैदी भी रिहा हो रहे हैं, जिनमें से 2 कैदी जिनमें 210 नंबर और 510 नंबर को भी रिहा किया जा रहा है, जिनका नाम है विश्वनाथ और वल्लभ सूर्या। जेल प्रशासन इनके आगे के बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करती है और उम्मीद करती है कि इनसे आगे ऐसी कोई गलती नहीं होगी और एक बेहतर नागरिक बनकर दिखाएंगे। क्यों जीजा जी, ये खानदानी निशानी है क्या? नहीं साले साहब, आपके खून की निशानी है। चलो सुनो भाइयों, अपने वल्लभ भाई के आते ही हम लोग मूर्ति बनाने की बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारी रक्षा करो। नमस्ते भाई। नमस्ते, कैसे हो भाई? भाई आपको एक बात बताइए। अरे तो बताओ ना। कुछ नहीं भाई, बस स्टैंड के कोने में हम लोग भगवान की एक मूर्ति बनाना चाहते हैं। आपकी क्या राय है भाई? अभी अभी ये बाहर आए हैं, आप इन्हें दोबारा अंदर भेजने की सोच रहे हैं? बाद में बात करेंगे। ए वैशाली, तुम्हारा भाई आ गया है, जल्दी चलो। कैसी हो बहन? आपके होते हुए खुश हूँ भैया। साले साहब, रस्म शुरू करते हैं। चलो शुरू करो। बस बस सो गया। अरे रो मत, मामा को देखो। बेटी तुमने जैसा सोचा वैसे ही तुम्हारे भाई की गोदी में बैठा के मुंडन करवा दिया। ए, दूसरा वाला बकरा कहाँ है? अरे वो बकरा तो बिल्कुल भैंस की तरह है, अरे उसे काटना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है दीदी। क्या कहा, काटना मुश्किल होगा? तुम मेरे भाई को नहीं जानते हो, वो मर्डर केस में अंदर जेल में गया था, उसके लिए इंसान या जानवर को काटना कोई बड़ी बात नहीं है। सही कहा ना? ए, दूसरा बकरा लेकर आओ। घास लेकर आओ। अभी लाता हूं। कुमार इसे पानी पिलाओ। हटो हटो हटो, चलो जाने दो। ए, घास ऊपर करो और ऊपर करो और ऊपर और ऊपर। अच्छा है,
हाँ ठीक है ऐसे ही रहना। हाँ सही है। मेरा भाई मेरे और मेरे पति के लिए जेल में गए थे। मेरा भाई हमेशा खुश रहे इसलिए मैंने मुंडन करवाया है। बस अब एक अच्छी सी लड़की से उसकी शादी हो जाए। शादी होते ही मैं 2 बकरे चढ़ाऊंगी और आने वाले साल में उन सबके साथ पोंगल मनाऊंगी। अरे दीदी घंटी बज गई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हेलो। इनके लिए कृपा स्वामी बहुत अच्छी लड़की ढूंढेंगे। हाँ बोलो क्या खबर है भाई। ये शंकर बहुत ही चिल्ला रहा है, अगर तुम नहीं आओगे ना तो वो तुम्हें फंसा देगा। मैंने उसे पकड़ के रखा है, जल्दी आ जाओ। क्या बे, ये अपने स्वार्थ के लिए ये सब बना रहा है, हैं? अपने स्वार्थ के लिए, खुद को बचाने के लिए कई लोगों को बम ब्लास्ट करा के मार दिया इसने। तू इंसान नहीं हैवान है। ए! फैक्ट्री में ब्लास्ट होना नई बात नहीं है। काम करते हुए ब्लास्ट हो गया तो हम क्या करें? क्या कहा? काम करते वक्त ब्लास्ट हुआ, कहाँ और कब ब्लास्ट होगा ये मुझे भी पता है बे। ये अधिकार, मैंने कोर्ट में तुम्हारे लोगों के खिलाफ सब कुछ बोल दिया है। मैं तुम्हें जरूर अंदर करवा के रहूंगा। स्टडी रहो, स्टडी रहो। हाँ आप ठीक है, शोल्डर जरा नीचे। हाँ क्या बात है, आप हंसिए, थोड़ा मुस्कराइए भाई। हाँ ऐसे रहते, रेडी है भाई? शोल्डर को थोड़ा आराम दो, आप ठीक है? ये हुई ना बात? अच्छा अच्छा। ओहो क्या मुसीबत है। अरे भाई थोड़ा हंसिए तो, वैसे तो आप बहुत हंसते हैं, आज आपको क्या हो गया? थोड़ा तो हंसिए, अपने दांत में दिखाइए। हाँ आप ठीक है? हवा क्यों छोड़ रहे हो, गैस प्रॉब्लम है क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ भाई। रुको ना, बहुत चुप रहा है। अरे एक तो अच्छा पोज दो भाई। बहुत ही ज्यादा तेज है। अरे बाप रे, देख दिया।
अभी क्या करना है? कुछ मत करे, आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हे वल्लम, ये बड़े ऑफिसर हैं, इंतजार कर रहे हैं। बड़ा ऑफिसर है तो क्या हो गया है? हाथ जोड़कर मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊं क्या है? तुम लोग इससे डरते होगे, लेकिन इंक्वायरी पे आना है या नहीं? ऊंची आवाज में यहां बात मत करो। मैं गवर्नमेंट के कानून से नहीं डरता, तुमसे डर जाऊंगा क्या? अभी मेरी बहन का पति शांति से खाना खा रहा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। एक बात सुन लो, मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और इस बीच में अगर कोई भी आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे रहते हुए मेरे बहन के पति को कोई छू भी नहीं सकता। याद रखना मेरी बात, सबसे पहले तुझे उठाऊंगा, उसके बाद तेरे जीजा से निपटूंगा। ए फोटोग्राफर। हाँ बोली भाई। इन दोनों की जरा अलग अलग पोज में फोटो खींच ले, फ्रेम बनवाकर हार पहनानी है, भूलना मत मेरी बात। देखने में तो एकदम मस्त लग रहा है, इसे लड़की क्यों नहीं मिलेगी? मैं इसके लिए लड़की ढूंढता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपने किसी अच्छी सी लड़की के साथ मेरे भाई की शादी करवा दी तो मैं आपको 10 तोला सुना दूंगी। वाह वाह, आप तो बहुत समझदार हो। सुंदर सी अच्छी सी लड़की ढूंढ कर देता हूँ मैं। क्या बेवकूफी है, पार्वती के लिए लड़का नहीं मिलेगा क्या? उस बेवकूफ आदमी की वजह से हमें कितना वजन उठाना पड़ रहा है, उसको अच्छा लड़का मिलेगा? तुम हर किसी की बातों का विश्वास मत करो। ये तो कुछ खास नहीं लगा। अंदर आऊं क्या? अरे सूर्य प्रीतम आओ आओ। है ये सब क्या है, इसकी क्या जरूरत थी? खुशबू अच्छी है ना? खुशबू अच्छी है, रख दीजिए। क्या बात कर रहे हो, आप मेरी बहन के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे हो तो इतना तो बनता ही है ना? सही है, बैठिए। पहले फोटो दीजिए, पढ़ा लिखा अच्छे खानदान का लड़का बताऊंगा मैं। ये दीजिए दीजिए इस लड़की को। आप इस लड़की के दूल्हे के लिए सिर्फ फल लाए हो, लेकिन इस लड़की के लिए दूल्हा नहीं ढूंढने के लिए एक आदमी ने फ्रिज दिया, वो देखो अभी तक खोला भी नहीं है। कौन है वो? यही वो आदमी है। देखो ये क्या कर रहा है,